सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पहुंच गए हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। ये कहता है, यदि एक 50 किलोग्राम की वस्तु को धरातल से 3 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अब इसे मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब वह ठीक आधे रास्ते पर हो। प्रश्न को समझिए अच्छे से, दो पार्ट है इसमें। ये ग्राउंड है, 50 किलोग्राम की वस्तु को धरातल से 3 मीटर ऊंचा उठाया जाता है। ये वस्तु है यहां पे और इसको 3 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, ठीक है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। पहले ये काम हम करते हैं। तो वस्तु का द्रव्यमान m बराबर है 50 किलोग्राम, ऊंचाई कितनी है, कितना उठाया गया, h बराबर है 3 मीटर। तो स्थितिज ऊर्जा की गणना, स्थितिज ऊर्जा कैसे होगी, जब हम वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं तो मृत्यु बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, धरातल पर कितनी थी, शून्य थी क्योंकि हाइट जीरो थी। एम जी एच एम 50 जी, हमें कहा है कि 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं आप, तो ले लेंगे हम बड़े शौक से। एच 3 मीटर, तो ये अपने पास हो गया 5 × 3 = 15 और 2 जीरो लगा लें तो ये जूल। तो ये ऊर्जा आ गई हमारे पास, स्थिति ऊर्जा 1500 जूल, किलो जूल में व्यक्त करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा और फिर हम कह देंगे 1.5 किलो जूल। यदि किलो जूल में करेंगे तो किलो जूल का मतलब है कि 1000 से भाग इसको दे देंगे, दो बिंदु कट जाएंगे, एक अंक के पीछे 0.5 किलो जूल। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है, अब इसे मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब वह ठीक आधे रास्ते पर। अब यहां से वस्तु को वापस छोड़ दिया जाता है और वो बिल्कुल ठीक यहां आधे रास्ते पर है, तब उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। आधे रास्ते का मतलब है कि ये जो हाइट है जितनी गिर चुकी वो भी 1.5 मीटर है और नीचे वाली भी 1.5 मीटर है। कैसे ज्ञात करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। वस्तु में यहां पे स्थितिज ऊर्जा थी, जब वह नीचे गिरेगी तो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा कम होगी क्योंकि हाइट कम हो रही है, mgh, h जैसे जैसे कम होगा स्थितिज ऊर्जा कम होगी, और चूंकि ऊर्जा संरक्षित रहती है तो वह स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता जाएगा। हमें कह रहा है कि बिल्कुल आधे रास्ते में उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा में हुई कमी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। यहां उसमें पूरी की पूरी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा थी, जैसे जैसे नीचे गिरेगी स्थितिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यहां तक आते आते उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी कम हो गई, वही उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो हम याद कर सकते हैं बड़े आराम से सेकेंड पार्ट। तो गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा में हुई कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी कितनी, एम जी एच वन, पहले प्रारंभ में कितनी थी एम जी एच वन और माइनस एम जी एच टू, सो एम जी कॉमन ले लें, सो एच वन माइनस एच टू, रख दें हम मान m का 50 kg, g 10 लेने के लिए बोला है, h1 पहले हाइट 3 मीटर, h2 अब कितनी बच गई 1.5 मीटर, तो 3 − 1.5, सो 50 × 10 और × 1.5, इसे हल करें, 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 15 हो गई, 10 में तो हट जाएगा, तो 50 × 15
और ये अपने पास आ जाएगा 15 × 75 750 जूल। सो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी 750 जूल। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9।